पोर्ट कराने से पहले ज़रूर पता लगा लेना है कि BSNL का सिग्नल आपके लोकेशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है कि आपके लोकेशन पे BSNL का 4G का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके लोकेशन में BSNL का 4G का सिग्नल आता है या नहीं आता है। आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं BSNL पोर्ट कराना, रिचार्ज इस समय रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा हो चुके हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया है, इससे रिचार्ज कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर जो कोई अगर इंसान है जो 301 दिन का कमाता होगा तो ये रिचार्ज नहीं करा सकता है, बहुत दिक्कत से होती होगी। जो BSNL का रिचार्ज है सभी टेलीकॉम से सस्ती है। पहले आपको ये ज़रूर पता लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इसे आपको बहुत चेक कर लेना अच्छी तरह से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और पोर्ट करवा लेते 3 महीने तक आप उसी कंपनी में रहेंगे, बाकी आप 3 महीने बाद ही पोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं जानकारी देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए है, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करके आप सभी को यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपको मेरे सभी ने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसे हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका नाम राजू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी के मोबाइल फ़ोन के अंदर एक क्रोम ब्राउज़र होता है, इस तरह आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे आप सभी को यहाँ पे एक सर्च बार दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप कर लेना है। टाइप में आपको यहाँ पे लिखना है, आपको BSNL करके आप सभी को यहाँ पे टाइप कर देना है, इस तरह आपको क्लिक करना है, आपको वेट कर लेना थोड़ी देर तक। आप सभी को यहाँ पे मैं आपको कई सारा ऑप्शन दिखाऊँगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी लोकेशन पर BSNL का सिग्नल आता है या नहीं आता है। आपको जो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर है यूज प्रेस्टीज ऑफ लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे, जैसे आप यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको वेट करना है थोड़ी देर तक। यहाँ पे BSNL पेमेंट पोर्टल, ठीक है, यहाँ पे आपको रुकना है तो टाइप करके 1-2 सेकंड तक वेट करना है आपको। इस तरह आप जैसे इसके नीचे आते हैं, आप सभी को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एक नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा आपको कस्टमर केयर नंबर, और यहाँ पे एक आप सभी को यहाँ पे पोस्टपेड प्रीपेड नंबर दिखेगा आपको। आप यहां कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं, आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आपके लोकेशन पे BSNL का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप यहां पे इस नंबर पे कॉल करके आप पता लगा सकते हैं। आपको यहां पे देख GSM पोस्टपेड प्रीपेड, आपको यहां पे नीचे नंबर पे आपको कॉल लगाना है। कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं कि आपके लोकेशन BSNL सिग्नल आता है या नहीं आता है। आप यहाँ से, और जो मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट तरीका बताया, आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। यहाँ से भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा यूज लोकेशन वाला, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके लोकेशन में BSNL का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। या तो आप कस्टमर केयर से कॉल पे बात करके उनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके लोकेशन में BSNL का 4G का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले आपको ये अच्छी तरह से चेक कर लेना है, फिर जाके आपके अपने सिम को पोर्ट कराना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे पोर्ट कराने के बाद। आप 3 महीने तक आप BSNL में ही रहेंगे, उसके पहले आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर इसे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, अगर नहीं चेक करते हैं तो हो सकता है आपको परेशानी हो सकती है। अगर सिग्नल आपके लोकेशन नहीं आता है तो आप BSNL का 4G या 3G कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको 3 महीने तक BSNL में ही रहना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से पता लगा लेना आपकी लोकेशन पे BSNL का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। पोर्ट करने से पहले आपको ये जानकारी अच्छी तरह से ले लेना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन रात समय शुभ रहे, आपके पूरे परिवार का दिन रात समय हमेशा शुभ रहे।